इसका सलवार ये है, ये दुपट्टा है, ये दुपट्टा है। और तो ना अच्छा लग रहा है ना, नहा के निकला अभी वो। कितने बजे जाना है? वही नमाज के बाद जाएंगे फवाज। तुम्हारा कैसा रहा वो मैच? खतरनाक किया नहीं अभी तो जाता है कुछ ऐसा जाता है खेलने वाले के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? जो उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो जी बस हम यहाँ पे जा रहे हैं शादी में, और जब भी मैं रांची आती हूँ कोई एक शादी तो मुझे मिल ही जाता अटेंड करने को, और साथ में हस्बैंड बच्चे भी हैं तो हम सभी यहाँ पर शादी में जा रहे हैं। यहाँ पे इशा की अजान हो गई है, हम नमाज के बाद ही जाएंगे शादी में। और जाने से पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा लगाऊंगी उबटन अपने फेस में, जिसमें मैंने डाला है बेसन, साथ में है दही और थोड़ा सा नींबू, और हल्का सा मैंने कलरिंग के लिए डाल दिया है हल्दी, इसे मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। अच्छा, मैंने फेस वॉश कर लिया है, नमाज पढ़ लिया है, सारी तैयारियाँ हो गई हैं। ये मेरा ड्रेस है तो आज मैं इसे पहनूंगी, गरारा है ये जो मैंने रांची से लिया है इंडिया से, और ये इसका दुपट्टा मैंने अलग से स्टिच करवाया। तो इस दुपट्टे को लेकर मैंने फिर गोटा इसमें लगवाया है, और ये जो दुपट्टा है इसमें ये डबल लेयर्ड है, बहुत ज़्यादा पतला हो रहा था तो फिर मैंने इसे डबल लेयर किया है और बनवा लिया, तो एग्जैक्टली ये मैच हो गया। चलिए मैं रेडी होती फिर दिखाती हूँ आपको। ओके, खालू को बुला रहे हैं? हम लोग को बुला रहे पापा। हाँ, क्या बुला? टाइम लगेगा हम लोग रेडी होने में? लगा रहा हूँ कहाँ, हम चल जाएगा, हम चल जाएगा। नहीं अभी कैसे जाओगे? हम ट्रिप चल जाते पापा, हम बाद में ठीक है। अब रेडी कहाँ हुए हो? मम्मी एक हाई पोनीटेल कर लो। तो जी हम लोग यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, मैंने पहन लिया है गरारा, और साथ में आज मैंने पहना है अपने ससुराल का दिया हुआ चूड़ी। यहाँ पे मैं एनवेलप लिख रही हूँ, और हम लेट भी काफ़ी हो रहे थे तो बस अब हम निकलना है यहाँ से। पीछे का भी है कर लो। विदिन 5 मिनट्स में हम मैरिज हॉल पहुंच गए थे, और इसका नाम है KZ गार्डन। ये हमारे घर से बड़ा नज़दीक पड़ता है, और आज जिनकी शादी में हम जा रहे हैं वो मम्मी के रिश्तेदार लगते हैं, मतलब हमारे अपने ही हुए। यहाँ का सबसे पहले दुल्हन से हम मिले, दुल्हन माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, और उसके बाद मम्मी के जितने रिश्तेदार थे उनसे मुलाकात हुई यहाँ मेरी। कुछ देर बैठने के बाद अब खाना खाने की बारी आ गई थी। अभी बारात यहाँ पे आई नहीं, इसलिए जितने भी लोग थे ना वो खाना खा ले रहे थे। इससे बड़ा अच्छा हो जाता है कि थोड़ा सा जब बाराती आते हैं तो उन्हें भी थोड़ा खालीपन मिल जाता है, और यहाँ पे बहुत ही आराम से सबने खाना खाया, बिल्कुल भी कंजस्टेड फील नहीं हो रहा था, और हम सभी ना एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। हस्बैंड तो बड़े खुश थे क्योंकि वो जब भी यहाँ पे आते हैं बड़ा इन्जॉय करते हैं, उनको यहाँ रांची का माहौल अपने जहाँ पे उन्होंने अपनी स्कूलिंग की है, कॉलेज किया है, तो उन्हें यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। और बच्चे बड़े खुश थे, साथ में मैं भी यहाँ पे बैठ के खाना खा रही थी। मुझे बड़ा मज़ा आया कि मैंने एक यहाँ का पहला शादी अटेंड किया 2 साल के बाद। Thank you.
जी कुछ देर के बाद हम यहाँ से निकलेंगे और हो सकता है कि हम बारात ना देख पाएँ क्योंकि बारात आने में भी लेट है, लेकिन कुल मिला के बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया, थोड़ा मन फ्रेश हो गया और इस तरह की शादी जो है बिल्कुल अपनापन देती है। तो चलिए आज का वीडियो जो है ना मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।